नमस्कार, आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के कैंपस में आप सबका स्वागत है। कैंपस टूर के अंतर्गत आज आरसीआई इंग्लिश मीडियम स्कूल का कैंपस टूर होने जा रहा है। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो कैंपस टूर होगा, इसमें सबसे पहले हम आपको वाहन सुविधाओं से अवगत करवाएंगे, इसके बाद यहाँ की असेंबली से अवगत करवाएंगे, उसी के बाद कक्षा कक्ष जो है उसको विजिट करवाऊंगा, फिर लैब्स को विजिट करेंगे। लैब्स विजिट करने के बाद में पढ़ाई के साथ साथ होने वाली एक्टिविटीज जो है उसको विजिट करवाएंगे। इसलिए आज मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कैंपस टूर को अवश्य विजिट करें। बानसूर में जो वाहन सुविधा है, ये वाहन सुविधा सभी रूटों से बानसूर के चारों ओर लगभग 35 किलोमीटर तक आरसीआई स्कूल की 52 जो गाड़ियां हैं वो विद्यार्थियों को लाने और ले जाने का कार्य करती है। इसमें बानसूर तहसील ही नहीं बल्कि कोटपुतली जिले से प्रॉपर शहर से कोटपुतली से विद्यार्थियों के लिए बसें रखी गई है। इसी के साथ साथ हमारे बानसूर के नजदीक मुंडावर तहसील है, मुंडावर से वाहन सुविधाएं की गई है। इधर नारायणपुर तहसील है, नारायणपुर से वाहन सुविधाएं हैं। इस साइड में कराना कस्बा है, कराना कस्बे तक वाहन सुविधाएं हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बानसूर के चारों ओर सभी रूटों से आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की वाहन सुविधाएं दी गई है। ये सब केवल इसलिए की गई है कि हमारे किसी भी क्षेत्र के आसपास के विद्यार्थियों को जो आरसीआई में अध्ययन करना चाहते हैं, उन सभी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधाएं नहीं हो, इसलिए ये वाहन सुविधाएं हमने दी हैं। और जो अभिभावक इस लाइव को देख रहे हैं, इस कैंपस टूर को देख रहे हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि सभी रूट्स पर वाहन सुविधा है। फिर भी यदि किसी रूट पर वाहन सुविधा आपको लगता है कि आरसीआई की नहीं है, तो आप आरसीआई के कैंपस में संपर्क कर सकते हैं। ये जो वाहन सुविधाएं हैं, ये सुबह लगभग 15 से 20 मिनट के गैप में सभी गाड़ियां आती हैं। ये जो बसें हैं, ये लगातार जो टाइम है उसका टाइम शेड्यूल जो है वो गाड़ियों के अंदर लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सभी रूट से गाड़ियां आती हैं। और इसके जस्ट बाद में ही ये सब विद्यार्थी अभी आप देखेंगे कि लाइनों के माध्यम से प्रार्थना स्थल पर पहुंचते हैं बैग रख करके, तो आगे का कार्यक्रम भी हम आपको विजिट करवाएंगे। सभी विद्यार्थी गाड़ियों से और अपने स्तर से विद्यालय में पहुंच चुके हैं। अभी विद्यार्थी जो है उनका असेंबली का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, क्योंकि सुबह की शुरुआत असेंबली से ही होनी चाहिए और बहुत ही मनमोहक और शानदार असेंबली जो है वो कार्यक्रम विद्यार्थी के लिए करवाया जाता है। तो आप एक बार असेंबली भी विजिट करें। सभी विद्यार्थी यहाँ असेंबली में पहुंच चुके हैं, पीटीआई जी कमांड दे रहे हैं। असेंबली का पूरा कार्यक्रम स्टूडेंट्स खुद करवाते हैं, स्टूडेंट्स की ओर से ही कंप्लीट असेंबली का कार्यक्रम करवाया जाता है। और उसमें चाहे वो कमांड से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रार्थना बोलने से रिलेटेड हो, कंप्लीट कार्य जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा करवाया जाता है। अभी सीनियर स्टूडेंट्स क्लास 4th to 12th के स्टूडेंट्स की असेंबली जो टॉप फ्लोर पर चलती है, बाकी जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं इसमें नर्सरी टू सेकंड के स्टूडेंट्स हैं जिनकी असेंबली भी वही बच्चे खुद ही असेंबली पूरी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको भी आप विजिट करें।
जिन अभिभावकों के बेटे या बेटियां आरसीआई एजुकेशन ऑफ बानसूर में अध्ययनरत हैं, या ऐसे अभिभावक जो अपने बेटे या बेटी के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट का सर्च कर रहे हैं जिसमें वो अपने बेटे या बेटी का एडमिशन करवाना चाहते हैं, उससे संबंधित आज जो ये कैंपस टूर चल रहा है इसमें आपको वाहन सुविधाएं, विद्यालय की असेंबली का जो प्रोसेस है उससे हमने विजिट करवाया। अभी जो अभिभावक विद्यालय कैंपस में आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए, चाहे वो अकाउंट से संबंधित काम हो, चाहे विद्यार्थी जो है उसकी सजेशन या उससे संबंधित को कंप्लेंट्स हो, या अभिभावक से संबंधित कोई भी उनका सजेशन हो, उसके लिए हमने रिसेप्शन एरिया जो है वो है। साथ ही में विद्यालय में एक अच्छा मैनेजमेंट हो, एक अच्छा सिस्टम हो, इसके लिए आरसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट और एमडी पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अब यहाँ के रिसेप्शन एरिया और मैनेजमेंट टीम जो है उससे रूबरू करवाऊंगा, उसके बाद में हम कक्षा कक्ष जो है उनसे रूबरू होंगे। ये आरसीआई इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिसेप्शन एरिया है। इस रिसेप्शन एरिया में सबसे फ्रंट जो सीट है उस फ्रंट सीट पर हमारे अकाउंटेंट बैठते हैं, और इनके यहाँ जो फीस से संबंधित जो काम है वो ऑनलाइन, यदि पेरेंट्स फीस ऑनलाइन डिपॉजिट करवाना चाहें, ऑफलाइन डिपॉजिट करवाना चाहें, वो पूरी व्यवस्थाएं या अकाउंटेंट सेपरेट देखते हैं। इसी प्रकार इधर मैम जो है इनका काम यहाँ डायरियों से संबंधित, पेरेंट्स जो है उनको किसी भी प्रकार की कोई सजेशन लेनी हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, मैडम के पास में वो इंक्वायरियाँ ली जाती हैं। इसी के साथ यहाँ यदि किसी स्टूडेंट्स को बीच में छुट्टी लेकर के जानी है, उसके पेरेंट्स बीच में आकर के किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो संपूर्ण कार्य जो है वो इस फ्रंट सीट से किया जाता है। इसी प्रकार इसमें यहाँ जो मेरे से राइट साइड में जो है ये जो काउंटर है, ये हमारे टेक्निकल टीम से संबंधित महिपाल जी यहाँ बैठते हैं, कंप्लीट टेक्निकल कार्य जो है वो यहाँ होता है। इसी के साथ इधर जो ऑफिस है ये प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है, और उधर जो है वो एमडी सर के लिए ऑफिस यहाँ क्रिएट किया गया है। और ये हमारे प्रिंसिपल मैम, हाँ गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये प्रिंसिपल मैम जो है हमारे यहाँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दो पद जो है मैनेजमेंट में हमने क्रिएट कर रखे, एक प्रिंसिपल पोस्ट और दूसरा एमडी पोस्ट, ताकि एक अच्छी व्यवस्थाएं अच्छे से चल सके। मैम थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन और किस प्रकार से सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हैं, हमारे अभिभावक जो है वो लाइव जुड़े हुए हैं और वो इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि स्कूल का सिस्टम कैसा है, किस प्रकार से आप लोग स्कूल जो उसको रन करते हैं, ताकि वो भी अपने बेटे या बेटी के लिए विचार कर सकें। हेलो एवरीवन, नमस्कार। My name is Namrata Kullar. I basically belong from the Madhya Pradesh. I just take a lot of experience from different institute. I just come to the RCI in Bansur. So I just implement a lot of experience which I get from the different institute. So before implement, I just plan everything. RCI is one of the best institute in the Bansur because the system is very strong. And if the system is strong, but definitely the level of the education is very, very strong. And my staff is also very good. They are very well trained, CBSE trained staff. They are doing very well inside the class. They are explaining the topic using the classroom environment. We are totally focused not the study and the book. We are also focused on the modern technology. We are using the smart classes, indoor activity, spoken classes, as well as the music classes also. So this system is give the not the bookish knowledge to the student, they are give the holistic development of the student. And we know that the this year NEP is come to the CBSE. So we are already planned according to the NEP policy. We are implemented from this year, and hopefully we are successful for the implementation, and hopefully we are doing very best. And this year RCI Bansur is the top of the school, and they give the best result among the rest of the school. Thank you. Thank you, ma'am. इसी प्रकार जैसा मैंने बताया कि मैनेजमेंट जो टीम है उसमें हमारे यहाँ दो पोस्ट क्रिएट की गई है, प्रिंसिपल मैम और एमडी सर। अभी एमडी सर का ये मैनेजिंग डायरेक्टर जैसा आप देख रहे हैं, ये ऑफिस उनका है, मैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। हाँ सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर ये आज जैसा कि पेरेंट्स हम सबके साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा, पेरेंट्स आपसे कुछ
जानना और पहचानना चाहते हैं, किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं? पहले भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स जो है उनमें आप रहे हुए हैं। सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं लगभग 3-4 स्कूल में पहले प्रिंसिपल रहा हूँ 10-15 ईयर्स तक, और अभी मैं यहाँ पे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर संभाल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 3-3, 4-4 स्कूल के अंदर 15-15 साल तक प्रिंसिपल होने के बावजूद जितने भी कमियाँ मुझे नज़र आती हैं यहाँ पे, हालांकि मेरे पास में प्रिंसिपल हैं वो भी वेल क्वालिफाइड हैं और अब्रॉड हैं, इवन जबलपुर से हैं, वो MP से, वो अच्छी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, वेल बिहेव्ड भी हैं, लेकिन इन सब के ओवरऑल अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे उनको सोल्व करने करता हूँ। जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं हमारी तरफ से द बेस्ट देने की। थैंक यू सर। अभी मैनेजमेंट और रिसेप्शन एरिया के बाद में अब हम सभी क्लासेज विजिट करेंगे। सब क्लासेज में सबसे पहले मैं जूनियर विंग जो है, जहां नर्सरी टू सेकंड के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, उस विंग जो है उसमें हम लोग चलेंगे। यहां नर्सरी क्लास से मैं आप लोगों को शुरुआत करूंगा। ये हमारा नर्सरी ए क्लास है। नर्सरी ए क्लास जो है उसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इनके टीचिंग कुछ एड्स यहाँ यूज किए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ मैम जो है कोमल मैम, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स गेम जो है उसके लिए कुछ एड्स यहाँ हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि नर्सरी क्लास में फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जब आता है तो घर का जैसा माहौल उसको मिलना बहुत जरूरी होता है। ये खुला जो क्लासरूम है ये नर्सरी ए क्लास का है, और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ टीचिंग एड्स भी रखे हुए हैं। ये टीचिंग एड्स जो है ये मैम बच्चों को सिखाने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि इन्होंने बोर्ड जो है उसका वर्क भी कर रखा है। व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस? ऑरेंज, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑरेंज। तो ये क्या है, बच्चा जब मार्केट जाए तो उसको एप्पल, ऑरेंज यानी फ्रूट्स को देख करके पहचान सके, इसलिए कुछ टीचिंग एड्स जो है ये कुछ लॉकर्स बने हुए हैं, इनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना लंच बॉक्स लेकर के आते हैं और उसके अनुसार इसमें रखते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए। ये नर्सरी ए का क्लासरूम है। इसी प्रकार मैं अब आपको नर्सरी बी जो है वो विजिट करवाऊंगा। ये पूरा जो हमारा नीचे का जो ये जूनियर विंग है ये मैं आप लोगों को विजिट करवाना चाह रहा था। यहाँ हमारे कोऑर्डिनेटर मैम बैठती हैं। कोऑर्डिनेटर मैम जो है उनका ये काउंटर ये नीचे के लिए यहाँ रखा गया है। कोऑर्डिनेटर मैम मीनू मैम यहाँ उपस्थित है। जूनियर विंग जो है इस जूनियर विंग में पूरे को ये संभालते हैं। मैम आप अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, पेरेंट्स जिनके बेटे बेटियां हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या आगे जिनकी इच्छाएं हैं कि वो आपके स्कूल से जुड़ना चाहें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सर यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ही प्यार से, स्नेह से पढ़ाया जाता है, टीचिंग एड्स के साथ पढ़ाया जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को बहुत लर्निंग वर्क में सीखने को मिलता है। एंड जो हमारे यहाँ बैगलेस डे होता है उसमें भी हम स्टडी के साथ NAP जो शिक्षा द्वारा दी गई है उसके द्वारा हम स्टडी के रूप में बच्चों को प्ले मेथड में पढ़ाते हैं, इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके लिए हम बहुत सारे एक्ट्स तैयार करते हैं, बच्चे वो प्रेजेंटेशन देते हैं, इससे कि बच्चे खूब आगे जाके उनका रिकवर हो सके पढ़ाई में और उनको काफी सारी चीजों में कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी जैसे मैंने नर्सरी ए क्लास आपको विजिट करवाई, ये नर्सरी बी क्लास है। नर्सरी बी क्लास जो इसमें भी बच्चे भी, ये नर्सरी बी क्लास के बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आप देखेंगे जिसे कैमरा में चारों तरफ आप इसको घुमा के दिखाएंगे, बच्चों के लिए अल्फाबेट्स जो है इसी में दीवार जो है इसके ऊपर पेंटिंग की गई है, उससे आगे जो है वर्णमालाएं लगी हुई है, कुछ पिक्चर्स चारों तरफ लगी हुई है, ताकि बच्चा एक खुला अच्छा क्लासरूम जो है उसको बच्चा जब फील करता है तो उसमें अच्छी पढ़ाई करता है और उसका मन करता है पढ़ने के लिए। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा इस दीवार के ऊपर अगर आप देखो, यहाँ आपकी नजर जाए, ये इन्हीं बच्चों के द्वारा कुछ एक्टिविटीज जो करवाई जाती है, तो उस एक्टिविटीज में कुछ चार्ट और कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं जो यहाँ बच्चों के लिए ही रखे गए। ये आगे LKG A क्लास है। LKG A की क्लास जो रूम है आप देखेंगे वो भी सेम उसी प्रकार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। ये मैम यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं एप्पल।
कुछ देखें आप इसमें भी कुछ मंथ के नेम है, कुछ वीक्स के नेम है, चारों तरफ वही क्लासरूम जो है उसको पूरा डेकोरेटेड, इसलिए कि बच्चा कुछ चीजें जो पिक्चर्स जो है उसको देख करके समझ सके। इधर कंप्लीट काउंटिंग जो है 100 तक है। इधर कलर्स के नेम है, कलर्स नेम इस साइड में है। तो चारों तरफ जिस लेवल की क्लास होती है उसी के अकॉर्डिंग उस क्लास को डेकोरेटेड किया जाता है, ताकि बच्चा जो है पिक्चर्स के माध्यम से सीख सके। हर क्लासरूम के साथ में उन्हीं क्लास के जो बच्चे कुछ मॉडल्स बनाते हैं वो मॉडल्स यहाँ रखे हुए हैं। हमारे एलकेजी बी क्लास है और एलकेजी बी क्लास में भी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, वेरी गुड, सिट डाउन। ये एलकेजी बी क्लास है और एलकेजी बी क्लास में भी वही इधर आकर के आप देखेंगे कुछ एनिमल्स के नेम है और कुछ फ्रूट्स के नेम आगे लगे हुए हैं। इधर वेजिटेबल्स नेम है, फ्लावर्स के नेम है, या काउंटिंग है, कंप्लीट इंग्लिश काउंटिंग जो मीनिंग के साथ में लगी हुई है, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और बच्चा जब क्लास में रहे तो उस समय इन पिक्चर्स को देख करके समझ सके। बहुत ही अच्छे क्लासरूम्स जो है वो टीचर्स ने यहाँ तैयार करवा रखे हैं। इसके बाद में यूकेजी ए क्लास है, यूकेजी ए क्लासरूम हो गया है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। क्लास में हमारे बहुत ही पुरानी मैम हैं, बहुत पहले से यहाँ काम कर रहे हैं, 10-12 साल हो गए, और मैं कुछ बातें जानना भी चाहूंगा कि मैम आप आपकी क्लास के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर क्लास के लिए और मैसेज के लिए यही है कि बहुत अच्छे पेरेंट्स है ना, संतुष्ट है अपने बच्चों से, और यहाँ एडमिशन के लिए बार बार ऐसे बोलते हैं कि हम करवाएंगे तो एडमिशन आरसीआई में ही करवाएंगे। बच्चे हमारे हंस कर जाते हैं और हंसते हुए ही आते हैं, और बहुत अच्छा मेंटेन है। टीचर भी बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रखते हैं, होमवर्क भी इतना देते हैं कि बच्चों को बर्डन नहीं महसूस होता, और लर्न बहुत अच्छे से करवाते हैं, और रटने की तो कोई बात ही नहीं करवाते, बच्चों को पिक्चर के माध्यम से उनको अच्छे से पढ़ाते हैं। वेरी गुड थैंक यू। आपका कहने का मतलब है खेल खेल में आप बच्चों को सब कुछ सिखाते हो। आपके सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम से आप लोग बच्चों को खेल खेल में हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए घर जाते हैं। मतलब छोटा बच्चा जब होता है तो आप भी सब समझते हैं कि छोटा बच्चा स्कूल आना बहुत जरूरी है, सीखना एक बात का काम है, और जब स्कूल हंसते हुए आता है और हंसते हुए जाता है तो फिर बच्चा बहुत अच्छा फील करता है। ये यूकेजी बी क्लास है, ये भी मैं आप लोगों को एक बार अंदर से विजिट करवाना चाहूंगा। ऐसा नहीं है, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्लासरूम जो है वो पूर्ण कंप्लीट डेकोरेटेड है। सभी क्लासरूम और क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके जैसे जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स प्लस में कुछ पेंटिंग्स जो है वो करवाई गई है, ताकि स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स जैसा कि वॉल जो है उसी के ऊपर पेंटिंग देख करके बहुत अच्छा सीख सके। ये जो रेगुलर क्लासेस के सामने ये पूरे मॉडल्स एक बार मैं चाहूंगा कि आप कैमरा घुमाएं आगे तक, पूरा कंप्लीट ये मॉडल्स जो है ये बच्चे जूनियर विंग के स्टूडेंट्स ने ये तैयार करवाया। ये कंप्लीट जो मॉडल्स हैं ये हमारे यहाँ लगे हुए हैं। इसके आगे ये फर्स्ट ए क्लास है, इसमें फ्रंट पर ही डे ऑफ द वीक, तो वीक्स के जो नेम है वो देखिए फ्रंट के ऊपर लगे हुए हैं। इधर कुछ नियर फार या अपोजिट्स लिखे हुए हैं, हैप्पी सैड अप और डाउन गो और कम, तो कुछ बच्चे पिक्चर्स को देख करके सीख सकें। ये हमारे यहाँ निधि में, गुड मॉर्निंग सिट डाउन निधि। निधि मैम यहाँ पढ़ा रहे हैं लंबे समय से, वो भी आरसी स्कूल से जुड़े हुए हैं। मैम आप अपना परिचय भी दें कि आप कहाँ से हैं और कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, आपको यहाँ के पढ़ाने में पहले के स्कूलों में क्या अंतर नजर आता है? ओके, माय नेम इज निधि सिंह फ्रॉम लखनऊ। मैं लखनऊ से हूँ और मुझे 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैं 7 साल किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, 3 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो ये 3रा साल है मेरा। और मुझे पहले स्कूल और इस स्कूल में ये डिफरेंट नजर आया कि यहाँ पे मैं फ्रीडम से पढ़ाती हूँ, एक बर्डन नहीं होता है मुझे पढ़ाने में, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में। जब मेरे पर कोई बर्डन नहीं होता है तो बच्चे को मैं फ्रीडम से पढ़ा सकती हूँ। और मुझे बच्चे, सबसे मेन चीज ये है कि जब बच्चे को मैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, बच्चों को जो कभी भी मैं कुछ भी देती हूँ एक्टिविटी में, बाई चांस मैंने जैसे कोई भी टॉपिक ले लिया, ईवीएस से फूड्स नेम ले लिया या फिर किसी गुड फूड पे ले लिया, तो बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे क्या बहुत ध्यान से सुनते हैं एक्टिविटी के थ्रू।
जब बच्चों को पढ़ाने के बाद इनको मैं चार्ट पे बनाने के लिए बोलती हूँ कि बेटा कल जाके आप मम्मा से बनवाओगे या पापा से बनवाओगे, बच्चे छोटे हैं नहीं बना पाते, मम्मा पापा इनकी हेल्प करते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे बैठ के अगर मम्मा पापा उस चार्ट को 20 मिनट्स बना रहे हैं, बच्चे नहीं, स्मॉल बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो बच्चे 20 मिनट्स देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, मैम ने मुझे आज क्या वर्क दिया है, उनमें बच्चों को बहुत सारी चीजें गेन होती हैं जो कि हम एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मैम मैं इतना जानना चाहूंगा, आपने जो बोर्ड का वर्क कर रखा है इसमें कुछ पिक्चर्स भी बना रखे हैं, इसका लॉजिक क्या है? एक्चुअली सर जैसे दिस एंड दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट, तो बच्चे दिस मींस होता है यह एंड दैट मींस वह होता है, बच्चे को अगर हम नॉर्मल तरीके से बता देंगे कि बेटा दिस मींस यह होता है एंड दैट मींस वह होता है, बच्चे नहीं थोड़ा इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। फिगर मैंने इसलिए बनाया है दिस, दिस मींस यह होता है मतलब दिस इज यूज फॉर नियर ऑब्जेक्ट, दिस हमेशा पास की चीजों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर मैंने कप बनाया हुआ है, ये मैंने पास कर दिया है और यहाँ पर मैंने डेस्क कर दिया, जगह छोड़ दी है, दिस इज यूज फॉर नियर ऑब्जेक्ट, दिस इज अ कप, तो यहाँ पर बच्चों को ये समझ में आ रहा है दिस किसके लिए यूज हो रहा है, जो नियर है हमारे पास, तो यहाँ पर बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमें दिस यहाँ पे फिल करना है। और मैंने एक फिगर एक ट्री बनाया हुआ है, वो मैंने दूर बनाया हुआ है, तो क्या हुआ है बच्चों को ये पता है कि डैट हमेशा दूर की चीजों के लिए यूज होता है, तो आसानी से बच्चे इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे कि डैट इज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया, आपका मतलब है कि ये जो कप था वो नजदीक है इसलिए यहाँ दिस, और ये ट्री आपने दूर बनाया इसलिए डेट, मतलब बच्चों को पिक्चर्स के माध्यम से आप समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा उसका यूज भी समझ पाए कि किस प्रकार से, इसीलिए चारों तरफ जो पिक्चर्स लगे हुए हैं ये भी इसीलिए आपकी भाई बड़ा एस है छोटा एस है स्मॉल और बिग दोनों आपने लिखे हुए हैं, अच्छी बात है, क्लास जो है पूर्ण डेकोरेट, थैंक यू। ये आगे जैसे हम पूछे, ये जो हॉल है ये असेंबली हॉल जो मॉर्निंग में असेंबली के रूप में काम में आता है, बाकी जैसे ही लंच होता है सभी यहाँ कुछ टाट पट्टियां आएंगी, उसके बाद में बच्चों का लंच का जो फैसिलिटीज है यहाँ कुछ पट्टियां लग करके लंच में यहाँ बच्चे फैसिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लंच करते हैं, और यही इन बच्चों के लिए कम्प्लीट ये जो हमारा जूनियर विंग है इनके लिए फैसिलिटीज में वाटर और टॉयलेट्स की फैसिलिटी नीचे की गई है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो भी क्लास के बच्चे अपनी एक्टिविटीज के तहत जो भी मॉडल्स या चार्ट बनाते हैं सब क्लासरूम के सामने लगे होते हैं, प्रकार से टोटल जो क्लासरूम्स, मैंने कहा कि जूनियर विंग जो है अभी सेकंड क्लास हमारे इसी प्रकार इसी विंग में यही सेकंड ए क्लास जो है वो भी मैं आपको विजिट करवाना चाहूंगा, सेकंड ए क्लास यहाँ बच्चे देखो सभी बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज सिट डाउन, ये सेकंड बी क्लास है, सभी क्लासरूम्स जो है खुले हवादार क्लासरूम्स हैं और बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए इसके लिए सभी क्लासरूम्स में फैन जो है उसके साथ साथ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, अगर लाइट किसी कारण से जाती है तो उसके लिए हमने जनरेटर की जो फैसिलिटी है वो कर रखी है। जूनियर विंग्स के कुछ क्लासरूम्स और हैं, ये हमारा सेकंड बी क्लासरूम है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेरी गुड थैंक यू, सिट डाउन प्लीज सिट डाउन, ये सेकंड बी क्लास है, मैम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार सब क्लासरूम्स जो हैं वो वेल सेटल्ड क्लासरूम जो है आप लोग विजिट कर सकते हैं सेकंड बी। इसी प्रकार 11th में साइंस और आर्ट्स यहाँ संचालित है, फिलहाल जो ये रूम है हमारा 11th आर्ट्स का है, एक बार आप आए 11th ह्यूमैनिटीज का आर्ट का क्लासरूम है, वेरी गुड सिट डाउन प्लीज, ये आर्ट्स का क्लासरूम है, मैं चाहूंगा क्लास मॉनिटर कौन है, क्लास मॉनिटर्स बेटा अपने क्लास की रिपोर्ट्स बताएं किस प्रकार की, ये लो किस प्रकार की क्या रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। Hello everyone, it is 11th class. The teacher are teaching very well and the environment of the class is in very disciplined and teacher explain every part, every questions and clear our doubts, explain everything in very well. Thank you. Very good, clapping. Thank you. 11th art ka ye section tha, isi prakar 11th science, jaise science hamara jo block hai, science mein
फाउंडेशन और नॉन फाउंडेशन के अलग अलग बैचेज चलते हैं। ये जो बैच है ये हमारा ये 11th साइंस नॉन फाउंडेशन बैच है। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। वेरी गुड, थैंक यू। फाउंडेशन बैचेज के लिए जब कभी दोबारा ये आगे फोर्थ ए सेक्शन जो है हमारा फोर्थ ए, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। ये फोर्थ ए का सेक्शन है और हमारे गुप्ता जी इसमें रेगुलर पढ़ा रहे हैं कुछ चार्ट्स के माध्यम से, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से। इसके आगे हमारे 10th क्लास जो है उसका सेक्शन चल रहा है। 10th के दो सेक्शन, 9th के दो सेक्शंस हैं। इस समय 10th क्लास जो है उसके स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये 10th शुभम सर यहाँ पढ़ा रहे हैं पिक्चर्स के माध्यम से, बच्चों को समझा रहे हैं। जी शुभम सर, हमारे अभिभावक और कुछ बच्चे आपसे कुछ जानना चाहते हैं, किस प्रकार से आपकी क्लास का माहौल है और बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए। सर, वी आर हैविंग वेरी गुड एनवायरनमेंट हियर एंड वी आर लर्निंग, वी आर स्टडीइंग इन ए वेरी इजी मैनर। वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्टडी थ्रू द डायग्राम्स, थ्रू द लेबल डायग्राम्स। वी आर जस्ट मेकिंग देम अंडरस्टैंड इन ए इजी मैनर, इजी गोइंग मैनर। वी आर जस्ट टेलिंग देम इन ए शॉर्ट शॉर्ट फ्रेगमेंट्स अबाउट द बिग थिंग्स। वी आर जस्ट ब्रेकिंग देम इन टू द पार्ट्स एंड वी आर जस्ट टेलिंग देम इन ए कन्वीनियंट मैनर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास मेंटर कौन है बेटा, क्लास के क्लास मेंटर्स? वेरी गुड, नाम बताओ अपना। माय नेम इज निमिष। आपकी क्लास की कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ जैसे भी आपके सजेशंस हो एक बार बताएं। देयर वर नो प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 10th आरबीएससी, नो वर टॉकिंग इन क्लास, नो वर चेंजिंग सीट। वेरी गुड, क्लासरूम ठीक है, अच्छा है, पढ़ाई ठीक चल रही है? Yes, कोई प्रॉब्लम? No, सब अच्छे हो? वेरी गुड, थैंक यू। अभी ये 9th का सेक्शन है हमारा, 9th सीबीएसई सेक्शन से स्टूडेंट्स जो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी जो है वो मैडम पढ़ा रही है। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। ये 9th का सेक्शन फर्स्ट है। इसी प्रकार आगे 12th आर्ट जो है उसका सेक्शन है। जैसा मैं बता दूं आपको, 11th और 12th में साइंस और आर्ट्स सब्जेक्ट जो है यूनिटीज यहाँ हमारे यहाँ संचालित है। आर्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं और ये 12th आर्ट का हमारा सेक्शन है जिसमें बच्चे और हिस्ट्री, इस समय हिस्ट्री विक्रम सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 12th आर्ट का ये सेक्शन है। मैंने जैसा आपको बताया कि 12th जो साइंस है उसमें बायोलॉजी, 11th और 12th बायोलॉजी जो है उसमें बायोलॉजी और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट साइंस में है, और यदि हम आर्ट ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर इन सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल के रूप में स्टूडेंट्स जो है उनके पास में है। और ये 11th और 12th में बानसूर क्षेत्र में, मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमैनिटीज का जो सिलेबस है वो यहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से जो पेरेंट्स अपने बेटे या बेटी का एडमिशन करवाना चाहते हैं या विचार कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर से, चूंकि आज इंग्लिश मीडियम जो है वो जीट की जा रही है, इंग्लिश मीडियम में अब तक साइंस और आर्ट्स सब्जेक्ट जो है वो चलाया जा रहा था, अगले नेक्स्ट ईयर से यानी 2024 में साइंस और आर्ट्स के साथ साथ एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी उनको भी ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अब आगे जो रूम है, क्लासरूम्स, जैसा कि आपको पता है क्लासरूम विजिट हो रहे हैं, ये 10th का सेकंड सेक्शन है, सीबीएसई 10th है और इसमें मैथ्स हमारे सर पढ़ा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। क्लास मॉनिटर, वेरी गुड बेटा, क्लास की रिपोर्ट बताएं, किस प्रकार की क्या रिपोर्ट है? और सर, वी आर स्टडी मैथ्स टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड एक्सरसाइज 8.3। इसके आगे 12th साइंस जो है उसका क्लास रूम यहाँ है। जैसा मैंने आपको बताया कि 12th जो क्लास है उसमें आर्ट्स और साइंस जो है, साइंस में बायोलॉजी और मैथ्स अपने यहाँ शुरू कर रखी है, और नेक्स्ट ईयर से एग्रीकल्चर और कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें रवि जी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सर, रवि सर एक मिनट। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन।
ये हमारा 12th साइंस का ये सेक्शन है और 12th साइंस में अभी रवि जी यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ये 12th साइंस में नॉन फाउंडेशन का बैच है, फाउंडेशन के बैचेज सेपरेट ब्लॉक में अभी चल रहे हैं, उसका मैं आपको फिर से कभी दोबारा विजिट करवाऊंगा। और रवि जी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्लास की रिपोर्ट कैसी है, बच्चे कैसे हैं, किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं रवि जी? सर एक्चुअल में सारे बच्चे मेहनती हैं और प्रॉपर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और जो फिजिक्स की क्लासेस में जो क्लास ले रहा हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। 12th साइंस के बाद में आगे ये हमारा 4th B, जैसा कि आपको पता है नीचे 4th A सेक्शन विजिट करवाया, आगे 4th B सेक्शन है। मैं चाहूंगा कि यहीं से आप कैमरा विजिट कर दें। ये 4th B जो सेक्शन है, इसके आगे मेरा ये 204 नंबर जो रूम है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ये रूम है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ साइंस और ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मॉडल्स बच्चों से तैयार करवाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे मॉडल्स स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। एक बार वो जो सब मॉडल्स हैं उनके ऊपर एक कैमरा जो है वो जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जैसे ही सेशन की शुरुआत हुई छुट्टियों में बच्चों ने इन मॉडल्स को तैयार किया है, और एक मॉडल प्रदर्शनी जो होती है साइंस एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम था वो हमने करवाया। 14 नवंबर को भी इस प्रकार का कार्यक्रम करवाया जाता है। ऐसे बहुत अधिक मॉडल्स जो है बच्चे तैयार, अलग अलग मॉडल्स जो है बच्चे तैयार करते हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है उसके प्रति भी इंटरेस्ट आए। और ये जो एक्टिविटीज हैं ये एक्टिविटीज रेगुलर बच्चे घर पर करते रहते हैं, और इनका मॉडल की प्रदर्शनी जो है हमारे यहाँ रेगुलर की जाती है। अब इसके आगे 9th का दूसरा सेक्शन हमारा यहाँ अध्ययन कर रहा है। 9th में SST का पीरियड चल रहा है, ये 9th सेक्शन है। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। ये हमारा 9th का सेक्शन है और इसमें बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है। इसी प्रकार 3rd B जो सेक्शन है वो इधर है, 3rd B, मैं चाहूंगा कि यहीं से आप विजिट करें, एक बार रिकॉर्ड करें। ये 3rd B का सेक्शन है, इसी प्रकार 3rd A सेक्शन यहाँ अध्ययन कर रहा है। 3rd A में यहाँ हिंदी जो है वो हमारे मंजू मैम हिंदी पढ़ा रहे हैं रेगुलर। और गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। ये आज क्या वार है, क्लास कौन सा है, पीरियड कौन सा है, क्या पूरा बोर्ड जो है इसको डेकोरेट करके बच्चों को, ताकि उनके डे और डेट दोनों ध्यान रहे। इसी प्रकार बाकी जो क्लासेज हैं वो टॉप फ्लोर पर चल रही है, मैं वो भी आपको विजिट करवाना चाहूंगा। जैसा आप लोगों ने देखा है कि प्रत्येक जो सेक्शंस हैं उसमें दो दो, प्रत्येक जो क्लास है उनमें दो दो तीन तीन सेक्शंस जो हैं वो रखे गए हैं, ताकि विद्यार्थियों की जो छात्र संख्या है वो क्लास में बहुत ज्यादा नहीं हो, बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से सीख सकें, और टीचर्स जो है वो प्रत्येक स्टूडेंट जो है उसका अच्छे से केयर कर सकें। इसलिए सेक्शंस जो है दो दो तीन तीन प्रत्येक क्लास के बनाए गए हैं। ये आपका हमारा जो इंग्लिश मीडियम का जो ब्लॉक है, मैं पेरेंट्स की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 4 मंजिल में संचालित है। इसमें जूनियर विंग को हमने अलग, सीनियर स्टूडेंट्स उनको अलग कर रखा है। ये आगे जो क्लास है 6th क्लास है, और इसमें साइंस जो है वो मैडम पढ़ा रही है, एक बार आप इसको विजिट करवा दें। फिफ्थ ए सेक्शन यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारा 5th A का सेक्शन है। 5th A में मैथ्स जो है वो, सर गुड मॉर्निंग, सिट डाउन बेटा। ये 5th A सेक्शन है और मैथ्स सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। इसके आगे जो सेक्शन है वो हमारा दूसरा सेक्शन है, और 5th B का सेक्शन है। 5th B को भी एक बार मैं पीछे से विजिट करवाता हूँ आपको। ये हमारा 5th B का जो सेक्शन है, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, वेरी गुड। इसमें हिंदी मैम जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये 5th B का सेक्शन है। इसी प्रकार 7th क्लास जो है
वो जस्ट इस साइड में, इस कॉरिडोर के इस साइड में चल रही है। ये हमारी सेवंथ क्लास है। इस सेवंथ क्लास को मैं चाहूंगा कि आप इधर से एंट्री करके पीछे से जाएं तो ठीक रहेगा। मैडम यहाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। ये मैथ मैम इसमें मैथ पढ़ा रहे हैं, सुजाता मैम, और ये हमारा सेवंथ का सेक्शन है। कैसे हैं बेटा? फाइन, वेरी गुड। क्लास मॉनिटर कौन है? क्लास मॉनिटर्स। बेटा आप अपनी क्लास की, आप सिट डाउन, आपकी क्लास की रिपोर्ट बताएं, कैसी है पढ़ाई, कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छा है? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। आप बताएं बेटा क्लास की रिपोर्ट बताएं, ये इसको ले। सर क्लास इज वेरी गुड एंड ऑल टीचर्स आर टीचिंग फाइन। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। ये सेवंथ क्लास का क्लास था। इसके आगे मैं आपको एट्थ क्लास जो है उसका एक सेक्शन विजिट करवाऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद में कुछ लैब और कुछ इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स जो है वो भी विजिट करवाने, कुछ क्लासरूम्स जो है वो किसी कारण अब छूट जाएंगे, बाकी मैं आपको एट्थ क्लास विजिट और करवा देता हूँ। उसके बाद बच्चों के लिए किस प्रकार से एक्टिविटीज करवाई जाती है, स्पोर्ट्स गेम और इंडोर गेम आउटडोर गेम्स की एक्टिविटीज, ये एट्थ क्लास है और एट्थ क्लास में हमारे हिंदी के सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ये एट्थ का सेक्शन है जिसमें हिंदी के सर जो है वो पढ़ा रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और आप पढ़ाई के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सुप्रभात, नमस्कार, मैं शीशराम क्लास एट का क्लास टीचर हूँ। सर आरसीआई में आके एक नया अनुभव ग्रहण किया है हमने, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं इसी सत्र से कार्यरत हूँ इस पर विद्यालय में, और यहाँ का विद्यालय परिवार, यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही होनहार है। अदर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से करते हैं, खेल की एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से करते हैं, और साथ में पढ़ाई बहुत अच्छी है। सर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सुबह से और अब तक बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से अच्छे पढ़ाई करते हैं। मैं संस्कृत का टीचर हूँ, बहुत ही अच्छी संस्कृत बोल भी लेते हैं ये बच्चे। आप चाहें तो किसी भी बच्चे से डेमो ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, और यहाँ का जो टीचर्स का खास करके डिसिप्लिन है वो भी शानदार है, और मैं यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, वेलकम सर। सब अच्छे हैं बेटा? पढ़ाई अच्छी चल रही है? कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। अभी कुछ कक्षा कक्ष कुछ क्लासरूम आपको विजिट करवाए किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, चाहे वो इंडोर गेम्स हो चाहे आउटडोर गेम्स हो, लैब फैसिलिटीज, ताकि प्रैक्टिकल के साथ बच्चे अच्छे से सीख सके। तो मैं आपको कुछ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और लैब्स जो है उसको भी विजिट करवाना चाहूँगा। पहले हम आपको इंडोर गेम्स के लिए, यहाँ जस्ट उससे आगे कुछ इंडोर गेम्स जो है उसका रूम है, हॉल बना हुआ है, इसमें कुछ इंडोर गेम्स की एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के द्वारा रेगुलर की जाती है, वो चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे वो कैरम बोर्ड्स हो, चाहे वो चेस हो, या अन्य अदर एक्टिविटीज, मैनी एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है। एक बार मैं चाहूंगा कि इनको सबको आप एक बार विजिट करवाएं। इंडोर गेम्स के रूम के जस्ट आगे केमिस्ट्री लैब है जो टॉप फ्लोर पर है। केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स जो है बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा सीखने के लिए लैब का होना बहुत जरूरी है। लैब का भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री लैब में बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप केमिस्ट्री जो लैब है उसको भी विजिट करें। केमिस्ट्री लैब में बच्चे जो है रेगुलर काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकल बेस जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। Thank you.
पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को कंप्यूटर का नॉलेज होना भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर नॉलेज जिसको होता है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ रेगुलर कंप्यूटर क्लासेज भी विद्यार्थियों को दी जाती है, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर लैब भी विजिट करवाना चाहूँगा। ये कंप्यूटर लैब है जिसमें स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं और स्टूडेंट्स जो है अपने अकॉर्डिंग खुद ही प्रैक्टिस करके और विंडो और सॉफ्टवेयर को खोलने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर लैब में अलग अलग क्लासेज यहाँ आती हैं, क्लासों के अकॉर्डिंग पीरियड्स जो है उनके लगे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। क्लास अभी आई है यहाँ, अभी हम प्रोजेक्टर रूम जो है उसमें पहुँचेंगे। उससे पहले मुझे उधर MD सर कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से वो व्यवस्थाएं यहाँ से बैठ करके देखते हैं और यहाँ बैठने का रीजन क्या है, क्यों यहाँ आकर के बैठते हैं। MD सर, सर नमस्ते। सर आप, मैं अभी क्या है कि कंप्यूटर लैब से प्रोजेक्टर रूम में जा रहा था, मेरी नजर पड़ी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ बैठने का और यहाँ से क्या प्लान है कि यहाँ बैठ करके आप ये डायरिया चेक करते हैं, काम आप ऑफिस में भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर। सर नमस्कार, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि हम RCI एक फैमिली की तरह काम करते हैं और वैसे तो मेरे पास में पूरा स्टाफ डेडिकेटेड है, टैलेंटेड है, डिसिप्लिन्ड है और सारा लेबोरियस है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लापरवाही ना हो, किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए, उसके लिए बच्चों की जो डायरियाँ होती हैं वो गार्जियंस के पास भी जाती हैं, वो चेक करते हैं, उनकी कोई कंप्लेन होती है वो हम तक पहुँचती हैं। मान लो टीचर से ओवरलुक हो गया या प्रिंसिपल मैम से ओवरलुक हो गया, उसके बाद मैं खुद रैंडमली जाके चेक करता हूँ कि कहीं से कोई लापरवाही ना हो। दूसरा, सर ने पूछा है मेरे यहाँ बैठने का कारण क्या है कि आप यहाँ आइए कैमरा मैन जी और देखिए मेरे को पूरा स्कूल आपको यहाँ से नज़र आएगा, जहाँ पे मैं बैठता हूँ पूरा स्कूल मेरे यहाँ से नज़र आएगा, कौन बच्चा कहाँ, कौन सा टीचर क्या कर रहा है, सारा का सारा मुझे यहाँ से नज़र आ जाता है। तो मेरे सारी व्यवस्थाएँ ऑफिस से न बैठ करके मैं इसलिए यहीं बैठता हूँ कि मैं यहीं से मैं पूरी की पूरी स्कूल की व्यवस्थाएँ यहीं से मैं देख लूँ और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और प्रॉपर तरीके से हमारे स्कूल में स्टडी चले और बच्चा डिसिप्लिन रूप से स्कूल में रहे। थैंक यू सर। इसका तो एक अल्टरनेट कैमरा भी होता है, लेकिन आपने जो बताया वो बात मुझे भी समझ में आई कि कैमरे के अलावा वास्तविक जो कैमरा है वो आपकी आंखें हैं और आप जिस साइट को चूज कर रखे हैं वहां से मैंने भी अभी नजर दी है कि पूरा स्कूल यहां से, सभी फ्लोर यहां से आपको आराम से नजर आ रहे हैं, जिससे आप एक एक एक्टिविटीज को यहीं से ऑब्जर्व कर सकें, यहीं से उसको विजिट कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्रिंसिपल मैम भी रेगुलर क्लासे लेती हैं। बिल्कुल मैम। और आप भी रेगुलर वर्क करते हैं, यही वजह होती है कि किसी भी स्कूल जो है उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छे कार्य के लिए, वहाँ का मैनेजमेंट टीम जब खुद कार्य करता है तो निश्चित तक वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा कार्य करता है और स्टाफ को देख करके बच्चे भी मेहनत करते हैं। इसीलिए RCI के रिजल्ट्स और RCI के जो डिसिप्लिन पार्ट है बहुत ही अच्छा है और पेरेंट्स इसको खुद आकर के भी विजिट करेंगे तो ये चीज महसूस करेंगे कि यहाँ एक अनुशासन के साथ पूरा स्कूल चलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर लैब से जब प्रोजेक्टर रूम में जा रहे थे, सर के ऊपर नजर पड़ी और मैं सर के पास पहुंचा, अच्छा रहा कि मुझे भी मालूम चला कि किस प्रकार से स्कूल को विजिट करते हैं। अभी हम प्रोजेक्टर रूम, ताकि बच्चों को कुछ मूवीज या राइम्स दिखानी हो, छोटे बच्चों के लिए कुछ करना हो, तो फिर प्रोजेक्टर जो है उसकी व्यवस्था की जाती है। विजिट करते हुए हम पहुंच गए हैं बायोलॉजी लैब के पास। कुछ लैब है जो मैं आपको वो भी विजिट करवा देता हूं। मैंने पहले भी कहा पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के आधार पर बहुत कुछ सीखता है। यही बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब और रोबोटिक लैब्स हैं, वो मैं आपको विजिट करवाना चाहूंगा। पहले आप बायोलॉजी जो लैब है उसमें पहुंचे, ये बायोलॉजी लैब्स हैं, इसमें कुछ चारों तरफ पिक्चर्स जो है उसके माध्यम से भी स्टूडेंट्स, ताकि प्रैक्टिकल करते समय इनके माध्यम से भी सीख सके। प्रैक्टिकल में कुछ माइक्रोस्कोप यहाँ आप लोगों को नजर आ रहे हैं, कुछ मॉडल्स नजर आ रहे हैं, चारों तरफ जो भी है बायोलॉजी लैब का है, मैं चाहूंगा पूरा विजिट करवाएं आप।
अब हम रोबोटिक लैब में पहुंचेंगे। रोबोटिक लैब में स्टूडेंट्स अलग अलग मॉडल्स तैयार करते हैं। एक अटल लैब एटीएल लैब के नाम से जो फेमस है, आप इसमें देखेंगे कि बच्चे अलग अलग मॉडल्स जो है 3D प्रिंटिंग जो है उसका कार्य करते हैं। मशीन्स जो है उनके माध्यम से अलग अलग काम करते हैं, दूरबीन के माध्यम से काम करते हैं। एक बार टोटल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इनके ऊपर बच्चे काम कर रहे हैं, आप एक बार विजिट करवाएं। बायोलॉजी लैब, रोबोटिक लैब, अब हम आपको लेकर पहुंचते हैं फिजिक्स लैब में। फिजिक्स लैब में भी वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी बच्चों को आवश्यकता होती है, चाहे वो कक्षा 11वीं के लिए हो या वो कक्षा 12वीं के लिए हो, सभी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब यहाँ व्यवस्थाएँ की गई हैं। बच्चे इनके ऊपर काम करते हैं, प्रैक्टिकल से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। We are doing the experiment of polarization of light using two polaroids. This is analyzer and this is polarizer and that's the ordinary light. सर मैं आपको आगे लेके चलना चाहूंगा, ये बच्ची है रिया डाली। बेटा कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं? I performed the experiment the characteristics of diode with the help of voltmeter. When we increase to set volts in voltmeter, the ammeter start incidentally to break. This is known the breakdown of voltmeter. एक अच्छे स्कूल में विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए उनका शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है, और शारीरिक विकास के लिए उस स्कूल में आउटडोर गेम्स का रेगुलर होना बहुत जरूरी है। RCI में रेगुलर कोचेज के माध्यम से ये आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज नियमित रूप से विद्यार्थियों के द्वारा की जाती हैं। उसी एक्टिविटीज में जैसे आप देख रहे हैं इस समय जो स्टूडेंट्स हैं ये स्केटिंग के माध्यम से, ये सब स्टूडेंट्स ऐसे बहुत अधिक, वो जो टीम पूरी खड़ी हुई पूरी स्केटिंग जो है उसके लिए तैयार है। ये स्टूडेंट्स स्केटिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ में चूंकि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के जो गेम हैं वो रेगुलर विद्यार्थियों के द्वारा किए जाते हैं, ये जो स्केटिंग जो है ये अभी चूंकि उधर गाड़ियों का आना जाना है, अभी ये बास्केटबॉल ग्राउंड पर चल रहा है। इसके जस्ट बाद में बास्केटबॉल की जो टीम है वहाँ बास्केटबॉल करेगा। इसके आगे आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी जो है वो वॉलीबॉल के जो टीम है, अलग अलग क्लासेज जैसे पीरियड लगे हुए, उस पीरियड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो है बाहर आते रहते हैं और अलग अलग गेम्स जो है उसके अकॉर्डिंग टीम जाती रहती है। कोशिश ये की जाती है कि सभी विद्यार्थी सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करें। एक बार आप, क्लास कौन सी है बेटा? 12th साइंस, वेरी गुड। गेम शुरू करो, स्टार्ट करो। ये वॉलीबॉल जो है उसका गेम स्टूडेंट्स के द्वारा चल रहा है। गर्ल्स के द्वारा बैडमिंटन जो गेम है वो खेला जा रहा है। लड़कियां रेगुलर देखो बैडमिंटन खेल रही है। ये पूरी टीम जो इधर खड़ी हुई है ये वेट कर रही है कब हमारा नंबर आए। नहीं, इसके आगे, इनके जस्ट आगे जो है कबड्डी का गेम चल रहा है। ये कबड्डी के कुछ गेम्स के यहाँ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बाकी छोटे बच्चों के लिए झूले और रैंप्स की व्यवस्थाएं की गई है। बच्चे जब छोटे बच्चों के आउटडोर गेम्स होता है तो उनके लिए इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो करवाई जाती है। यहाँ से मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ से कबड्डी, उसके आगे बैडमिंटन, उसके आगे बास्केटबॉल जो आपको नजर आ रहा है, बीच में वॉलीबॉल का गेम जो है वो रेगुलर चल रहा है।
पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर में रेगुलर म्यूजिक और डांस की एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। अभी मैं आप लोगों को स्टूडेंट से विजिट कराऊंगा किस प्रकार से विद्यार्थी पूरे इंस्ट्रूमेंट खुद ही तो मतलब बजाते हैं, खुद ही इनको यूज करते हैं, किस प्रकार से वो चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे प्रार्थना का कार्यक्रम हो, चाहे वो अन्य कोई गायन हो, सब कार्यक्रम जो है वो बच्चे खुद करते हैं। और ये म्यूजिक रूम है, म्यूजिक रूम में टोटल म्यूजिक से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स की गई है। ये स्टूडेंट्स हैं जो खुद ही कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, गाने का, बजाने का, चाहे कैसा भी एक्टिविटीज का कार्यक्रम हो उसमें यही पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बहुत अधिक स्टूडेंट्स जो है स्कूल में प्रत्येक क्लास वाइज तैयार किए गए हैं। ये हमारे म्यूजिक टीचर हैं विकास जी, इनके द्वारा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस विद्यार्थियों के द्वारा दिलवाई जाती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो या एनुअल फंक्शन हो। बाहर से हमें टीम बुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, टोटल कार्य जो है ये बच्चे ही करते हैं। बेटा एक बार मैं चाहूंगा कि आपकी कोई परफॉर्मेंस जो है वो आप हमें भी दिखाएं ताकि हमें भी मालूम चले कि आप क्या क्या करते हैं। आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के आज इंग्लिश मीडियम ब्लॉक यानी ब्लॉक ई को कैंपस विजिट हमने करवाया। मैं जो अभिभावक इस कैंपस टूर को देख रहे हैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कैंपस में यहाँ पहुँच करके भी कैंपस विजिट करें। जितने भी एक्टिविटीज जो हैं वो चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, वो इंडोर गेम या आउटडोर गेम्स की हो, चाहे म्यूजिक की एक्टिविटीज हो, चाहे कंप्यूटर क्लासेस की हो या लैब्स की एक्टिविटीज हो या क्लासरूम्स हो, सभी को आप भी विजिट करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके बेटे या बेटी जिस स्कूल यानी आरसीआई में भी पढ़ रहे हैं या आपने आगे के लिए विचार किया है तो उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम इसी प्रकार से मेहनत नियमित रूप से कर रही है। उन सभी विद्यार्थियों के साथ उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य आरसीआई की पूरी टीम कर रही है। थैंक यू।